नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर सेकंड में इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपना चैप्टर है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार, जो कि टॉपिक के अंतर्गत है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोष और समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था में भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु भारतीय बैंकिंग सिस्टम की प्रणाली में काफ़ी मूलभूत सुधार भी हुए हैं और अनेक प्रकार की भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक प्रकार की समस्याएँ भी अपने सामने आई हैं। जैसा कि हम बात करें, भारत में 1991 के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपनाया, जिसमें किसी भी दिशा में बैंकिंग व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। वास्तव में 1969 में बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद में बैंकिंग व्यवस्था में व्यापक विस्तार हुआ, क्योंकि 1969 के अंतर्गत 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें अनेक प्रकार की समस्याएं अपने सामने हुई, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था का जब विस्तार होता है तो हमारे सामने प्रबंध व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की समस्याएं सहन करनी होती हैं। इसी प्रकार से बैंकिंग सुविधाएं कम विकसित क्षेत्रों में ग्रामीण किसानों लघु उद्यमियों तक पहुंचाने लगी हैं। बैंकिंग जमाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 1969 में कुल बैंकिंग या कुल जमाओं का सकल घरेलू उत्पादन का 15% से बढ़कर यह है 40% किया गया है। इस तरह बैंकिंग शाखाओं में लगभग 40% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यापारिक बैंक प्राथमिक क्षेत्रों में अपने कुछ ऋणों का लगभग 40% ऋण दे रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमताओं में भी काफ़ी कमी आई है। तो ये तो इसकी भूमिका के बारे में हुई। अब बैंकिंग व्यवस्था की जो विभिन्न प्रकार की प्रगति के बावजूद भी अनेक प्रकार के दोष सामने आए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी रही हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहली समस्या ही निम्न लाभदायकता। निम्न लाभदायकता में लो प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें भारत के बैंकों का लाभदायकता बहुत ही कम है। ऋण प्रक्रियाओं को लगभग व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण दुरुपयोग और धोखाधड़ी, बढ़ती परिचालन लागत आदि के कारण लाभप्रदता में कमी आई है। 1992 और 93 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 4,150 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ है, क्योंकि 4,150 करोड़ का घाटा बहुत होता है, जो कि 2010-11 में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों में 703 मिलियन का शुद्ध लाभ भी हुआ है, जो 2012-13 में 912 मिलियन का शुद्ध लाभ भी कमाया है। तो इसमें जो निम्न लाभदायकता की स्थिति आई है, ये भी इसकी प्रमुख दोष और समस्याओं में महत्वपूर्ण है। अगला है परिसंपत्तियों में वृद्धि, अनर्क परिसंपत्तियों में वृद्धि। परिसंपत्तियों में वृद्धि में हम बात करें ग्रोइंग नॉन परफॉर्मेंस असेट्स की। भारतीय सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जन संपत्तियों में तेजी वृद्धि हो रही है, जिसमें परमापित परिसंपत्तियां और उपपरमापित परिसंपत्तियां, संदिग्ध संपत्तियां सम्मिलित हैं, जो कि मुख्य रूप से जहां
मुकदमा दायर करने के लिए हम बात करें तो 2014 की समाप्ति पर सार्वजनिक बैंकों की कुल अग्रिम राशि का 4.1% अनअर्जन संपत्तियों या एनपीए के रूप में माना गया है। अगला है निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात। निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात, निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात में लो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो की हम बात करें तो भारतीय बैंकों की पूंजी का आधार बहुत कम और एक समान नहीं है, क्योंकि मार्च 1993 से भारतीय बैंकों के लिए पर्याप्त पूंजी के मापदंड भी कोई भारी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रत्येक बैंक के लिए 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निश्चय किया गया था। 31 मार्च 2013 को सार्वजनिक बैंकों का यह अनुपात 10.3% था। साथ ही बैंक अपने शेयर मार्केट में बेचकर अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करते हैं ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार इनके दोषों की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा। स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा, बैलेंस शीट है उसका एक ऊपरी दिखाओ की हम बात करें। विडो ड्रेसिंग और बैलेंस शीट में बैंकों की अनिवार्य लेखा परीक्षा के बावजूद भी बैंक अपने तुलन पत्रों के रूप से एक रूप से दिखावटी दिखाई देते हैं। ये वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में अपनी जमा राशि में कृत्रिम वृद्धि भी कर रहे हैं। अगला है ऋण देने में पक्षपात। भारतीय बैंकिंग में जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो ऋण देने में पक्षपात करते हैं, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं और जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उनको ऋण आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का अभाव होता है। जो चातुर्य और विवेकशील व्यक्ति जो कि उनको आसानी से ऋण मिल जाता है, तो ऋण देने में पक्षपात की भी एक इसमें अहम भूमिका रही है। कुछ बैंक ऋण देने के मामले में कुछ खास कंपनियों के पक्ष ही रहते हैं, क्योंकि केवल सार्वजनिक बैंक के बैंकों को ही नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ऋण अपर्याप्त ऋणों के बदले जाते हैं, जो कि संबंधित वित्तीय स्थिति को भी ये कमज़ोर करते हैं। अगला है निम्न कोटि के ऋण निवेश। निम्न कोटि के ऋण निवेश, निम्न कोटि के ऋण निवेश में हम बात करें जो कि एक महत्वपूर्ण तरीके से कि बहुत से बैंकों के द्वारा दिए गए ऋणों की गुणवत्ता पूर्ण निरंतर बहुत ही निरंतर ही है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से बाह्य दबावों में आकर ये किए जाते हैं। इस प्रकार बिना व्यापारिक प्रक्रियाओं के पालन दिए ऋण दिए जाते हैं। साख पत्र आदि गारंटी की जानकारी भी इसमें दी जाती है। तो इस प्रकार से और भी विभिन्न इनकी समस्याएं हैं, जिसमें अगली समस्याएं हैं शेयर बाज़ार के सट्टे में लिप्त। शेयर बाजार के सट्टे में लिप्त, शेयर बाजार के सट्टे में लिप्त भी एक महत्वपूर्ण इसकी कमियां रही हैं, जिसमें हम बात करें शेयर बाजार के अंतर्गत जो कि बैंक शेयर बाजार सट्टे में लगे रहते हैं, इस तरह जनता की जमा का दुरुपयोग हो रहा है। किस प्रकार से कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उनकी सहायक म्यूचुअल फंड कंपनियों में भी सट्टे में लिप्त हैं, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण कमियां हैं। अगला है खातों के रख रखाव की अनियमितता। खातों के रख रखाव की अनियमितताएं, खातों की रख रखाव की अनियमितता भी
इसकी एक मूल रूप से समस्याएं हैं। किस प्रकार से? कि बहुत से बैंकों द्वारा खातों के परिचालन में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं पाई गई हैं। प्राय एक बैंक के अशुद्ध खातों में पूरी जांच किए बिना दूसरे बैंकों के द्वारा लिया भी जाता है। तो ये भी है, एक बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में है, बैंक रुग्ण इकाई के रूप में, रुग्ण का मतलब यहाँ पर कमजोर होता है विद्यार्थियों, क्योंकि जो बैंक रुग्ण इकाइयाँ हैं वो भी एक है, क्योंकि बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में हम बात करें तो कई बैंक कमजोर होते हैं, जो कि उपरोक्त बातों से परिणाम बहुत ही रुग्ण इकाइयों के रूप में कार्यरत हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप इन्हें बंद कर दिया गया है, परिसमापन कर दिया गया है, किसी भी बैंक को उनका विलय कर दिया गया है। 1985 से 91 तक के दौरान 10 बैंकों का विलय हुआ, 3 बैंकों को बंद कर दिया गया और 122 बैंक को परिसमापन कर दिया गया। 1995 में 103 वाणिज्य बैंकों का परिसमापन हुआ है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। 2002 में लगभग 78 बैंक परिसमन हुए, जिसमें नेंदुगदी बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में फरवरी 2008 में मिला दिया गया है। अगला है अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग। दसवां है अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग। अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारतीय समुदाय के कमज़ोर वर्ग की सहायता के लिए चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं के बावजूद भी बैंक मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्र में मांग पूरी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 31 मार्च 2013 को कृषि क्षेत्र में बकाया ऋण 5,899 मिलियन, औद्योगिक क्षेत्र में बकाया ऋण 22,302 मिलियन, सेवा क्षेत्र में बकाया ऋण 11,486 मिलियन, व्यक्तिगत बकाया ऋण 9,009 मिलियन थे। स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक बकाया ऋण है, जो कि 31 मार्च 2014 में प्राथमिक क्षेत्र में बकाया है 18,871 मिलियन था, जो कि कुल ऋणों का 36.35% है था। अगला है दोहरा नियंत्रण। दोहरा नियंत्रण की हम बात करें, डुअल कंट्रोल का, जो कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सरकार तथा रिजर्व बैंक के दोहरे नियंत्रण को झेल रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की आवश्यकता से अधिक नियंत्रण व प्रशासनिक दबाव है। बैंक को ऋण देने या व्यक्तिगत मामलों का आंतरिक प्रबंधन मामलों में बहुत अधिक प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव एवं हस्तक्षेप झेलना पड़ता है। निवेश के कार्यक्रम की दिशाओं के ऊपर आते हैं, इसी प्रकार मुख्य कारणियों या निवेशियों की नियुक्ति भी होती है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय वाणिज्य बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसका प्रबंधन ढीला डाला है, प्रतिस्पर्धा नहीं है और आवश्यकता से अधिक फैला हुआ है, आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, ग्राहक सेवा भी असंतोषजनक स्थिति में है। तो आज हमने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोषों के बारे में हमने चर्चा की कि भारतीय बैंकिंग की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी रही हैं, जिसमें हमने क्रमबद्ध तरीके से बिंदुवार हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत नरसिम समिति के कौन कौन सी सिफारिशें रही हैं, उनके सुझाव कौन से रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में नरसिम समिति की सिफारिशें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सिफारिशें हैं जो भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ करना है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नरसिम समिति की सिफारिशें कौन कौन सी है। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।